हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉलिकुलर डायग्नोसिस। बेटा आपका बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस में हम लोग मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था आप लोगों का जीन थेरेपी। ठीक है, यहाँ तक इससे पहले के जो टॉपिक थे आपके, जो इससे पहले के टॉपिक थे वो बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थे, यानी कि उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे। अब जो ये लास्ट वाला पोर्शन बचा है इस चैप्टर का, उसमें से क्या है कि क्वेश्चंस जो है वो रेयर चांस में कभी एक या दो मार्क्स के पूछे गए तो पूछे गए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ आते हैं, किस तरीके से आते हैं, आज हम बात करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, और लास्ट में इथिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। नॉर्मली बात करें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है बेटा बीमारी की पहचान करना। अब एक वर्ड आता है ट्रीटमेंट, एक शब्द क्या होता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। इलाज हम लोग तब कर पाएंगे ना जब तक हमें बीमारी के कारण के बारे में पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो इलाज से पहले बेटा बीमारी के कारण के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। आई बात समझ में। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब पता है क्या, इसका मेन एम है कि आप लोग डिजीज का डायग्नोसिस कर रहे हो एट अर्ली स्टेजेस ऑफ इंफेक्शन। मैं अगर मैं बात करूं हमें बुखार आ रहा है, अब बुखार आन मच्छर ने काटा उसके 3 या 4 दिन बाद हम लोगों को बुखार आया, यानी वो लेटेंट स्टेज है, वो अर्ली स्टेज नहीं है, लेटेंट स्टेज है, बाद वाली स्टेज है, यानी कि जब तक आपकी बॉडी में पैथोजन जो है पूरा का पूरा इंक्यूबेट कर चुका। हमें क्या करना है उस इंक्यूबेशन से पहले हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन करना है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मेन एम क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज। ठीक है, कि बीमारियों का अर्ली यानी कि शुरुआती तौर पर यह शुरुआत में बीमारियों को क्या करना बेटा, डायग्नोस करना, उनको पहचानना। तो इसमें जनरली कौन कौन सी टेक्निक आती है, सबसे पहली टेक्निक है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी। क्या करते हैं इसमें हम लोग डीएनए लिया, डीएनए को आपने वेक्टर में इंसर्ट कराया, उसकी कॉपीज बनाई, और कॉपीज बना के उसको क्या कर दिया आपने, डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, जीन क्लोनिंग टेक्निक। फिर आता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये भी आप पढ़ चुके हो, काफी बार ही अपने आप पे क्वेश्चन लेके आता है। पीसीआर में क्या था, 3 स्टेप थे बेसिकली, पीसीआर भी जीन क्लोनिंग और जीन की कॉपी बनाने के लिए काम में आ रहा था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज की रिक्वायरमेंट क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग सपोज कि हम लोग ब्लड टेस्ट करने के लिए सैंपल दे रहे हैं, डॉक्टर ये तो नहीं कि उसको एक बूंद की रिक्वायरमेंट है खून की, लेकिन वो क्या एक नीडल भर के ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर उसको बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में उसके रिजल्ट सही नहीं आया तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा जांच करेगा। ठीक है, दोबारा उसको डायग्नोस करेगा। तो पीसीआर का मेन एम ये है, जो आपका डिफॉल्टर जीन है उस डिफॉल्टर जीन की आप कॉपी बनाकर रख लेते हो। ठीक है, या डिफॉल्टर पार्ट की कॉपी बनाकर रख लेते हो और उसका फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो पीसीआर का मेन मकसद क्या है, जीन की कॉपी बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना, और 3 मेजर स्टेप थे हम लोग पढ़ चुके हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमरी एनलिंग, और आप लोगों का एक्सटेंशन। ठीक है, एंजाइम कौन सा यूज होता था, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, नॉर्मली थर्मस एक्वेटिका से टैग पॉलीमरेज एंजाइम निकल रहा था जो इसके अंदर यूज में आ रहा था। क्लियर है, तो ये पीसीआर जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर आता है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे अलाइजा। नॉर्मली बेटा अलाइजा जो टेक्निक है, अब कई लोग इसको अलाइजा बोलते हैं, अलाइजा नहीं है वो अलाइजा है। ठीक है, क्या है टेक्निक का नाम, अलाइजा। ये किसके लिए बेटा, एचआईवी वायरस यानी कि एड्स के लिए, एड्स के डिटेक्शन के लिए बेटा टेक्निक यूज में आती है। ठीक है, अभी इसका प्रिंसिपल भी बताएंगे कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है, व्हाट इट। अब उसके बाद आता है आपका एक अलग टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर प्रोब। प्रोब की अगर हम लोग बात करें, अगर आप किसी सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल पीस ऑफ डीएनए को आप रेडियो लेबल्ड आइसोटोप के साथ में क्या करा रहे हो, फ्यूज करा रहे हो। ठीक है, यानी ये डीएनए लिया और इस डीएनए को मैंने रेडियो लेबल आइसोटोप के साथ में फ्यूज करा दिया, उसके ऊपर रख दिया, तो ये क्या करेगा, प्रोब करेगा। प्रोब की टेक्निक को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, रेडियो इम्यूनो एसे जो है वो भी बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के ऊपर आधारित है। क्लियर है, हालांकि आप लोग जब एमबीबीएस के सेकंड ईयर में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ये टेक्निक्स जो वो डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्लियर है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आप लोग एलाइजा के बारे में। एलाइजा में हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अगर आता है तो इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और इस पर एंजाइम कौन सा यूज में होता है वो काम में आएगा। ठीक है, तो एलाइजा जो है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें, एक मिनट सुनिएगा, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको।
इसमें बेटा कलर का डिटेक्शन के बेस के ऊपर आधारित है, यानी कि एंटीबॉडीज है। अब एंटीबॉडीज के ऊपर हमें पता है एंटीजन जाकर बाइंड हो गए, अब हम क्या करेंगे उसके ऊपर सब्सट्रेट को ऐड करेंगे और एंजाइम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है जब आप इस एंजाइम और सब्सट्रेट की रिएक्शंस देखते हो, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस देखते हो, तो वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आप लोग क्या करते हो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ जो है सनलाइट की उसके ऊपर डालते हो, जिससे वो अलग अलग कलर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और कलरिंग बैंड्स आते हैं और आपके रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगता है, ठीक है। अगर कलर दे रहा है, कलर जनरेट हो रहा है, पर्पल और ब्लू कलर जनरेट हो रहा है, तो दैट मीन्स रिजल्ट इज पॉजिटिव, और अगर कलर जनरेट नहीं हो रहा है, दैट इज रिजल्ट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये किसके ऊपर आधारित है बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर आधारित है। बेसिकली एलाइजा जो तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और कंपाउंड एलाइजा, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा में आप लोग क्या करते हो, एंटीजन कोटेड वेल लेते हो। मैं आपको एक पेटेंशन बता देता हूँ, हालांकि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एंटीजन उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब एंटीजन कोटेड वेल के ऊपर आप लोग क्या करोगे, एंटीबॉडी का मिक्सचर डालोगे, ठीक है। एंटीबॉडीज के ऊपर आपने सब्सट्रेट डाला, सब्सट्रेट के ऊपर आप लोगों ने एंजाइम डाल दिया, क्लियर है। और यहां पर आप लोग फिर एंजाइम डालने के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसका कलर डिटेक्ट कर रहे हो। ये किसके होते हैं आपका, डायरेक्ट एलाइजर में। हालांकि ये आप लोग एमबीबीएस में जाके पढ़ोगे, क्लास 12th में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का इनडायरेक्ट एलाइजर। इनडायरेक्ट एलाइजर के अंदर आप लोग क्या करते हो, इनडायरेक्ट एलाइजर में हम लोग एंटीबॉडी, यहां पर जब एंटीजन लिए थे तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी कोटेड वेल्स लेते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी कोटेड वेल लिया और ऊपर हमने क्या कर दिया, एंटीजन ऐड करा दिया। अब एंटीजन कराने के बाद में आप लोग क्या करते हो, उसे दोबारा से उसके ऊपर एंटीबॉडी जनरेट करते हो और उसके बाद एंजाइम और सब्सट्रेट ऐड कर देते हो, ठीक है। ये बेटा एक सैंडविच के टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको आप लोग सैंडविच एलाइजर भी बोलते हो, क्लियर है, क्लियर है। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंपाउंड एलाइजर, उसमें आप लोग एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ले सकते हो और दोनों का मिक्सचर फिर ऐड करोगे, इस तरीके से एंजाइम और सब्सट्रेट डालकर हम लोग कलर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये एलाइजा के कुछ टाइप है, हालांकि टाइप की रिक्वायरमेंट हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में क्या है कि एलाइजा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। किसके डिटेक्शन में काम आता है, आप लोगों के एचआईवी एड्स वायरस के डिटेक्शन में काम आता है। प्रिंसिपल इसका क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या करें, ये छोटे अमाउंट में प्रोटीन को भी डिटेक्ट कर सकता है, एंटीबॉडी और एंटीजन। मैंने बोला था इसमें या तो एंटीजन कोटेड वेल होगे या फिर एंटीबॉडी कोटेड वेल होगे, यानी एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों को बहुत स्मॉल अमाउंट में ट्रेस कर सकता है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसमें एंजाइम कौन से काम आते हैं वो याद रखना, परोक्सीडेज और जो मेनली एंजाइम यूज में आता है, दैट इज एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एंजाइम कौन सा काम में आता है बेटा, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये तो हो गया आपका मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस का नॉर्मली मीनिंग ही यही है कि आप लोग क्या कर रहे हो, डिजीज को होने से पहले, बीमारी को होने से पहले, जब इंक्यूबेशन पूरा हो जाता है उससे पहले, इंक्यूबेशन पीरियड से पहले ही आप लोग बीमारी को डायग्नोस कर रहे हो, और डायग्नोस करने के साथ इनिशियल स्टेजेस में हम लोग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर काफी बार क्वेश्चन आता है, अभी रिसेंट में कौन कौन सी टेक्निक यूज हो रही है बेटा, सीरम थेरेपी, सीरम प्लाज्मा थेरेपी। ये थेरेपीज क्या है, ये बीमारी का जब इन्फेक्शन पूरा हो जाता है, ठीक है, जब सिम्टम्स शो हो जाते हैं। अब आज बात करते हैं हम लोग सिम्टम्स कब शो होते हैं। माना कि मेरे कोई मच्छर खाया, ठीक है, अब जब वो प्लाज्मोडियम पूरा अपना लाइफ साइकिल जनरेट कर देगा, आफ्टर दैट मुझे क्या होंगे, उसके सिम्टम्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, नॉर्मली स्टार्टिंग से लेकर और सिम्टम जनरेट होने तक के बीच का जो समय है, उस समय को आप लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। हम क्या करेंगे, जो मॉलिकुलर डायग्नोसिस है उसमें आप लोग उस जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसके दौरान, यानी कि सिम्टम जनरेट होने से पहले, आप लोग क्या कर रहे हो, बीमारी को ट्रेस कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो और उसका इलाज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मैंने आप लोगों को ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में बताया था। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, वो एनिमल्स जो नॉर्मली किसी भी जीन ट्रांसफर के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग अलाइन जीन या फॉरेन जीन को ट्रांसफर करके बनाते हो, क्लियर है। मेथोडोलॉजी क्या है, इसमें आप लोग फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हो किसी भी होस्ट के जीनोम में, होस्ट एनिमल के जीनोम में, बाय द यूज प्रोसेस ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस यूज करके आप लोग ऐड करते हो, ठीक है। अब नॉर्मली इसमें स्टेप कौन कौन से, सेम स्टेप है, आप लोग लोकेशन, पहले जो आप लोगों का जीन है, आप लोगों को जो जीन निकालना है उस जीन की लोकेशन को ट्रेस करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और उसको सेपरेट कर दोगे डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को हम सेपरेट करते हैं किससे, आप लोगों के डिजायर्ड जीनोम से, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमने वेक्टर का सिलेक्शन किया। अब वेक्टर भी ऐसा चाहिए
जो एनिमल बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक है, प्लांट में तो ठीक है सर्वाइव कर जाते हैं, एनिमल बॉडी में बेटा, क्योंकि हमारी बॉडीज जो है, एनिमल बॉडीज जो है, वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एज एन एंटीजन, एक एंटीजन की तरह ट्रीट करती है, दुश्मन की तरह ट्रीट करती है। और वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो उस बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो नॉर्मली कौन सा होता है, डिसआर्म्ड पैथोजन और रेट्रोवायरस, मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 में बताया था। क्लियर, तो वेक्टर लिया या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हो। डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए कौन सा मेथड आता है बेटा, माइक्रो इंजेक्शन। आई बात समझ में, डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए मैंने आपको बताया था एनिमल सेल के अंदर कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है बेटा, माइक्रो इंजेक्शन। क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर आप लोग पार्टिशन कंपार्टमेंट, अगर इसकी जगह क्वेश्चन आता है कई बार कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए अगर आप लोग जीन गन मेथड यूज करो तो क्या होगा बेटा, डीएनए का कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाएगा, डीएनए जो होस्ट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जीन गन में हाई वेलोसिटी से आप लोग क्या कर रहे हो, डीएनए को इंसर्ट करा रहे हो, तो डीएनए क्या है, इस जीन सेल को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। क्लियर है, इसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ या कंबाइनिंग डिजायर्ड जीन विद द वेक्टर। अब आप क्या कर रहे हो कि जो डिजायर्ड जीन है उसको वेक्टर के साथ हमने जोड़ दिया। अगर वेक्टर यूज कर रहे हो तो वेक्टर के साथ में जोड़ा, आफ्टर दैट उस वेक्टर को आपके होस्ट के सेल में, एम्ब्रियो टिश्यूज में आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, वेक्टर के साथ जोड़ा, जोड़ने के बाद हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया होस्ट की सेल के अंदर। ठीक है, होस्ट की सेल में ट्रांसफर करने के बाद अब हम उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, जो जीन ट्रांसफर करके नहीं छोड़ देना है, हमें वहां पर मेंटेनेंस कराना है, उसको मेंटेन करना है और उसका एक्सप्रेशन कराना है। क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन के बाद क्या बनता है, मैंने आपको बताया था, जीन का एक्सप्रेशन के बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और हमें क्या चाहिए, बेसिकली प्रोटीन चाहिए। ठीक है, जब ये प्रोटीन बनेगा तब अब उस प्रोटीन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और मार्केटाइज कर देंगे। प्रोसेस क्या है, अब मैंने सबसे पहले बताया इसमें ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनाई गई, जिसमें आपका एक बहुत पेटेंट प्रोटीन था, ह्यूमन अल्फा लैक्टालबुमिन। ठीक है, अब इसमें क्या किया, हम लोगों ने ह्यूमन का जो ग्रोथ जीन था, जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन वाले जीन को आइसोलेट किया और आपने डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो आपका काउ का एग है उस एग में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब उस एग में ट्रांसफर करने के बाद क्या किया, जब वो उसमें ट्रांसफर होता है तो होस्ट की बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है और उस वहां पर एक्सप्रेस हो जाता है। एक्सप्रेस होने के बाद में क्या किया, जब ट्रांसजेनिक काउ बनी तो उसके मिल्क में बेटा ह्यूमन लैक्टालबुमिन प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ट्रांसजेनिक एनिमल पूरा। लास्ट टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर का, आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक इज दैट इथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दे। नॉर्मली इथिकल इश्यूज का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सबसे पहला होता है प्रोडक्ट की सेफ्टी। ठीक है, प्रोडक्ट की सेफ्टी यानी कि वो प्रोडक्ट जो है उसके अलग अलग ट्रायल्स करके, हम लोग वैक्सीन बनाते हैं बेटा, उसके अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस होती है। ठीक है, कि वो ह्यूमन की बॉडी के लिए कितना सुपरफिशियल है, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के लिए कितना वो अच्छा है। आई बात समझ रहे, तो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए नॉर्मली हम लोग इथिकल इश्यूज के ऊपर काम करते हैं। अब इथिकल इश्यूज में बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने एक पूरी की पूरी एजेंसी बनाई है, इंडियन बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो क्या करता है, अप्रूवल देता है जो बायोटेक के जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट को बेटा अप्रूवल देता है। अब अप्रूवल क्या देता है कि वो प्रोडक्ट जो वो सेफ है या अनसेफ है। ठीक है, यानी सेफ्टी इज अ मस्ट। सेकंड थिंग इज दैट इसमें दो नई नई टर्म आती है, एक तो आता है आपका बायो पेटेंट और एक आता है बायो पायरेसी। पेटेंट का मतलब पता है क्या, एक वर्ड आता है बायो पेटेंट, और सेकेंड आता है बायो पायरेसी। ठीक है, बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। पेटेंट का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, दैट मींस दे हैव द पेटेंट ऑन दिस। ठीक है, उनके पास उसका पेटेंट एकाधिकार होगा। पायरेसी का मतलब क्या होता है, किसी का भी प्रोडक्ट चुरा कर, किसी का भी प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, चुरा रहे हो, और दूसरे नाम से अपने खुद का ब्रांड टैग लगाकर आप मार्केटाइज कर रहे हो। ठीक है, वो होता है बायो पायरेसी। ऐसा अमेरिका ने किया, आप लोगों के इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊं, इसमें एग्जांपल आएगा आपका राइस का। नॉर्मली चावल जो सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। ठीक है, अब राइस जो है उसमें बासमती राइस का आपने नाम सुना होगा, सबसे अच्छी प्रजाति। ठीक है, बासमती राइस जो है, उस बासमती राइस की पेटेंट को, यानी कि उसके जीन्स को उसने इंडिया से मंगाया, मंगाने के बाद उसने खुद के यहाँ ग्रो किया। पेटेंट वो इंडिया का था, ठीक है ना, खुद के यहाँ ग्रो करके उसने क्या किया, खुद के नाम से अलग नाम से बेच दिया, दैट इज बायो पायरेसी। आई बात समझ में क्लियर है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।